good morning dear student the theoretical chapter we have complete today now i am going to explain and solve the numerical problems of the exercise of chapter number 5 the first numerical 5.1 is गिव द फॉलोइंग एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फॉर सिंपलिसिटी द नोमरिकली कैलकुलेशन बी टेक द जी की वैल्यू जो है इस मॉल हम क्या लेंगे टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जी की वैल्यू है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है इन पार्ट ए पार्ट ए ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड कोई रेन की ड्रॉप है जो कॉन्स्टेंट क्या है उसका स्पीड कांस्टेंट है तो इसमें हमें नेट फोर्स बताना है क्या होगा ठीक तो, uh, तो इस, है तो द रेन ड्रॉप इज़ फॉलिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड तो इट्स इसका एसिलेशन क्या होगा बेटा इसका एसिलेशन जीरो होगा ठीक है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो एसिलेशन जीरो होगा जब एसिलेशन जीरो होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा एफ इक्वल एम ए होता है फोर्स का फार्मूला तो ए जीरो है तो फोर्स क्या हो गया जीरो हो गया ठीक है एक का आंसर आ जाएगा फोर्स विल बी जीरो नेक्स्ट पार्ट बी है एक कॉर्क एक कॉर्क है और मास टेन ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर एक कॉर्क का जो कॉर्क ऑफ मास एक कॉर्क है जिसका मास कितना है टेन ग्राम है वो वाटर पे फ्लोट कर रहा है ठीक है तो इस कंडीशन में आपको बताना है कि फोर्स क्या होगा ठीक तो जैसे कोई कार्क है तो वो पानी पे फ्लोट कर रहा है तो वो पानी उसका बेट क्या करेगा जो कार्क का बेट है वो बेट इक्वल मतलब जो क्वार इसमें एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लगेगा ठीक है क्वार के टुकड़े पे ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा अपथ्रस्ट जो उसके बेट को इक्वल कर देगा तो नेट फोर्स क्या होगा इसमें इस सेकेंड वाले में भी नेट फोर्स हो जाएगा जीरो ठीक है? जैसे कॉर्क का कोई टुकड़ा ले लें वो फ्लोटिंग कर रहा है वाटर पर तो इसके बेट को बैलेंस करता है उसके अपोजिशन में लगने वाला फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स ठीक है तो ये इससे भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट सी है ए काइट स्टेशनरी इन द स्काई

फोर्स क्या होगा देखो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो यहाँ भी एसिल जीरो होगा जब ऐसी जीरो है तो फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा रह गया ई ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्पेस फॉर फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ठीक है तो एज़ नो फील्ड चाहे ग्रेविटेशनल हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक हो इज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ठीक है कौन से लगेंगे इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन से फोर्स कौन कौन से फील्ड होंगे जो उस पर वर्क करेंगे ग्रेविटेशनल करेंगे इलेक्ट्रिक करेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ठीक है तो नेट फोर्स इस कंडीशन में क्या होगा इसमें भी जीरो होगा नेट फोर्स क्या होगा जीरो एज नो no फील्ड इज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन कोई भी फील्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ए, क्या करेगा वर्क नहीं करेगा किस पर इलेक्ट्रॉन पर नो no फील्ड कोई भी फील्ड वर्क नहीं करेगा इस कंडीशन में ना ग्रेविटेशनल और ना हमारा इलेक्ट्रिक ना मैग्नेटिक सो नेट फोर्स विल बी जीरो